पेट में गैस बनती है या पेट फूला रहता है तो आजमाए ये चार देसी इलाज चुटकियों में हो जाएगा पेट हल्का नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आजकल पेट फूलने की समस्या आम हो गई है और इसके कई कारण हो सकते हैं अक्सर यह परेशानी तभी होती है जब हम खाना खा चुके होते हैं और पेट भरा हुआ होता है जब हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरह काम नहीं करता और खाने को पचा नहीं पाता तो पेट में गैस बनने लगती है पेट में बैक्टीरिया और कम पाचन शक्ति के कारण पेट फूल सकता है अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या तब खाते हैं जब आप स्ट्रेस में हो, तो भी पेट में गैस बन सकती है इसलिए जानते हैं इससे बचने के कुछ घरेलू उपाय पहला है अजवाइन और जीरे का पानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अजवाइन और जीरे के पानी से आप पेट फूलने और गैस की समस्या से राहत पा सकते हैं इसके लिए ड्राई और रोस्ट किए हुए जीरे और अजवाइन को एक पैन में डालें और उसमें एक गिलास पानी मिलाएं। फिर इसे कुछ देर के लिए उबलने दें बाद में छानकर खाना खाने के बाद इस ड्रिंक को पिए आपको जरूर आराम मिलेगा अगला है सौंफ को डाइट में शामिल करें अगर आपको खाना खाने के बाद गैस बनने की परेशानी होती है तो इससे बचने के लिए सौंफ को डाइट में शामिल कर सकते हैं खाना खाने के बाद आप सौंफ जरूर खाएं इसके अलावा आप सौफ की चाय भी बना सकते हैं और खाने के बाद इसे पी सकते हैं अगला है सूखी अदरक यानी कि सोंठ खाना खाने के बाद आप सूखी अदरक यानी सोंठ की चाय पी सकते हैं जिससे पाचन तंत्र बेहतर बनता है इसके लिए आप पानी गर्म करें और उसमें सूखी अदरक डाल दें अच्छी तरह चाय बनने के बाद इसे छान कर पिए अगला है छाछ छाछ से खाने का स्वाद बढ़ जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाना खाने के बाद पिए तो यह फायदेमंद होता है छाछ में सीधा नमंग और हींग का पाउडर मिलाकर पीने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ सकती है इसे पीने से आपको पेट फूलने की समस्या दूर हो जाएगी